नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। ये फॉर्म 10T, जी हाँ फ्रेंड्स, मंथली पेंशन के लिए ये फॉर्म फिल किया जाता है, जिससे कि पेंशन में उनको फायदा मिले। स्कीम सर्टिफिकेट है तो ही ये वाला ऑप्शन चूज करना है। डिफॉल्ट पेंशन, जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाला जो ऑप्शन है ना, काफी ज्यादा क्रिटिकल है 10T का पैसा लेने के लिए। वो आपके इसी एड्रेस पे होना चाहिए। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सभी बैंकों की लिस्ट आ गई है। फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी में या ओरिजन में काम करते हैं या फिर कोई पीएफ कंसल्टेंसी चलाते हैं, तो इस फ्रेंड्स ये वाली वीडियो, आज की जो वीडियो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉर्म नंबर 10D के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, UN पोर्टल पर फॉर्म नंबर 10D आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भी फॉर्म है वो मंथली पेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस फॉर्म को बिना किसी एरर के आप कैसे भर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है आपको, सारा कुछ हमने इसी वीडियो में कवर किया। यदि आप भी जाना हो लाभ उठाना चाहते हैं ना, तो कृपया इस वीडियो में इसके लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में गूगल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे यूनिफाइड पोर्टल। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपको टाइप करना है। उसके बाद से फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेंबर पोर्टल, मेंबर वाला पोर्टल ही आपको ओपन कर लेना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है, पासवर्ड एंटर कर लेना, साइन इन कर लेना। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हम सफलतापूर्वक लॉग इन हो चुके हैं। अब उसके बाद से फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले हमने कवर किया हुआ है कि फॉर्म नंबर 31, 19 और 10C कैसे फिल करते हैं। अब यहाँ 10D का जो ऑप्शन है, इसको हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में, 10D अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इसी वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद से अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है, वो जो UN पोर्टल पे आपका लिंक है वो ही यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद से वेरीफाई करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर लिया, उसके बाद से वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे यस कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पे प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर, जी हाँ फ्रेंड्स, यही पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। ये फॉर्म 10D, जी हाँ फ्रेंड्स, मंथली पेंशन के लिए ये फॉर्म फिल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मंथली पेंशन फॉर्म 10D, आपको इसको ही सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने सारे टॉपिक्स पे वीडियो कवर किया हुआ है कि आप यहाँ पे फॉर्म नंबर 19 कैसे फिल कर सकते हैं, 10C कैसे फिल कर सकते हैं, यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म 31 कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में हम यहाँ जानने वाले हैं कि भैया 10D आपको कैसे भरना है। यहाँ पे देखिए, हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से यहाँ पे अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा और सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना है, देखिए डिटेल ऑफ स्कीम सर्टिफिकेट। जी फ्रेंड्स, काफी लोग पूछते हैं कि सर मैं 10D अप्लाई कर रहा हूँ मंथली पेंशन में, तो यहाँ पे मुझे स्कीम सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, ये क्या है, यहाँ पे क्या फिल करना है। अब फ्रेंड्स, ये जो भी ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए जो लोग कई सारी कंपनियों में काम करते हैं और वो उन सभी कंपनियों का पेंशन का पैसा नहीं निकालते हैं, उनका सर्टिफिकेट लेकर के रख लेते हैं, जिससे कि पेंशन में उनको फायदा मिले। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए है। यदि आपने भी स्कीम सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो ये ऑप्शन आपके लिए है। तो मान लीजिए कि आप पहले हरियाणा में जॉब करते थे, पहली वाली कंपनी में, उससे आपने स्कीम सर्टिफिकेट लिया है, तो आपको यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ऑफिस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हरियाणा में किस ऑफिस से आप स्कीम सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। तो यहाँ पे गुड़गांव, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे और ये स्कीम सर्टिफिकेट का आपको नंबर मिला होगा, वो ही नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट है तो ही ये वाला ऑप्शन चूज करना है, अन्यथा नहीं चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इनके केसेस में इन्होंने कहीं से भी सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो यहाँ पे अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो भैया यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट वाले ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिए, सब कुछ गायब हो जाएगा। आपको ये कंपलसरी नहीं है, देखिए स्टार मार्क जहां लगा है वो ही कंपलसरी है, स्टार मार्क जहां नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डिफॉल्ट पेंशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाला जो ऑप्शन है ना, काफी ज्यादा क्रिटिकल है, ये आपको फिल करना ही करना है, अन्यथा आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दो ऑप्शन नीचे और दिया हुआ है। अब देखिए, डिफॉल्ट पेंशन क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, डिफॉल्ट पेंशन का मतलब होता है आप पेंशन, जैसे नॉर्मल केसेस में आपको 58 साल के बाद पेंशन मिलता है, पर 58 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप 58 साल के ईयर के बाद ही अपना पेंशन लेना चाहते हैं तो भैया आपको यहाँ पे नो करना है, यानी कि आप कुछ भी डिफर नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया, हम तो 59 साल के बाद लेना चाहते हैं और 60 साल के बाद पेंशन लेना चाहते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, तो भैया आप 1-2 साल आप अगर उसे बाद में ले रहे हैं तो कुछ तो आपको बेनिफिट होना चाहिए, तो वो ही बेनिफिट यहाँ पे EPFO डिपार्टमेंट आपको देता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ईयर के लिए आपको डिफॉल्ट कर सकते हैं आप अपने पेंशन को। तो इसके लिए आप यस करेंगे, देखिए यस करेंगे, तो अब यहाँ पे दो
दो ईयर के लिए कर सकते हैं, देखिए 59 और 60। आने वाले समय में कुछ यहाँ पे चेंजेस होता है तो मैं नए वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन ये लेटेस्ट वीडियो 2022 का मैं आपको बता रहा हूँ कि 59 और 60 दो साल के लिए आप यहाँ पे डिफर कर सकते हैं। अब आपको क्या फायदा होगा, ईपीएफओ की तरफ से 4% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कि 58 साल में अभी नो करके आप अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए मिनिमम आपको 1000 रुपये मिलता है। ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ भी मिल सकता है। तो 1000 रुपये अगर आपको मिलना है 58 साल पे, तो अगर आप 1 साल के लिए डिफर कर रहे हैं तो भैया 4% उसका जोड़ लीजिए 1000 का, यानी कि 1040 रुपये आपको मिले। अब यदि आप 60 ईयर पे लेना चाहते हैं तो भैया आपका 4% और बढ़ जाएगा, यानी कि 1080 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगा। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे डिफर भी कर सकते हैं, नहीं भी डिफर कर सकते। तो ये यहाँ पे ईपीएफओ ने ऑप्शन प्रोवाइड किया। अब उसके बाद से फ्रेंड्स, यदि आप डिफर करते हैं तो उस केस में एक और ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए विद कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन 58 साल के बाद भी जमा हुआ है पेंशन वाले में, अक्सर बंद हो जाता है, लेकिन काफी लोग बोलते हैं सर मेरा तो भैया कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है मैं क्या करूं, तो अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ईपीएफओ विदाउट कंट्रीब्यूशन और विद कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है तो भैया कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लीजिए, और विदाउट कंट्रीब्यूशन है तो भैया विदाउट कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद यानी कि जमा ही नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप बढ़ा रहे हैं। अब देखिए अभी इनके केस में हमें नो करना है, तो नो हमने कर लिया है। अब उसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। देखिए फैमिली डिटेल्स आपने जो भी नॉमिनेट किया था ना वही देखने को मिल जाएगा फैमिली डिटेल्स में। अगर आपने एक से ज्यादा व्यक्ति का किया है तो एक से ज्यादा व्यक्ति का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एम्प्लॉय एड्रेस की बात आ रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन पैसे कुछ भी निकालते हैं, फॉर्म नंबर 31 फिल के एडवांस निकालते हैं या ऑनलाइन फाइनल, तो यहाँ पे आप अपना करेंट एड्रेस भी फिल कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स यदि आप अपना 10D निकाल रहे हैं तो इसके लिए आपको अपना परमानेंट एड्रेस यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे एड्रेस है ना वो ही आपको यहाँ पे एंटर करना है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि परमानेंट एड्रेस ही एंटर करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर परमानेंट एड्रेस एंटर नहीं करेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर लेना है, लोकेलिटी में जो भी आपका एड्रेस है, स्टेट यहाँ पे स्टेट जिस भी स्टेट से आप मान लीजिए कि आप यूपी से हैं, यूपी में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ यूपी से हैं। अब यूपी में कहाँ से है, मान लीजिए लखनऊ से है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए एल ललितपुर आ गया, कोई बात नहीं मैं ललितपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे जो भी आपका सिटी है वो एंटर कर लेना है, आपको अपना यहाँ पे पिन कोड एंटर कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे बैंक डिटेल। जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है पेंशन का पैसा 10D का पैसा लेने के लिए वो आपके इसी एड्रेस पे होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आप एड्रेस सेलेक्ट करेंगे इसी एड्रेस पे होना चाहिए, यानी कि आपके होम टाउन में ही होना चाहिए अगर होम टाउन का आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफी लोग जैसा पूछते रहते हैं तो सर मुझे पेंशन लेने के लिए कौन से बैंक में खाता खुलवाना चाहिए, तो भैया आज सभी लोगों का आंसर इसी वाले वीडियो में मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सभी बैंकों की लिस्ट आ गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखते हैं ईपीएफओ डिपार्टमेंट बता रहा है कि यहाँ पे एक्सिस बैंक में अगर आपका खाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये तो खुलवाना पड़ेगा। बैंक आप बड़ौदा में होना चाहिए, HDFC बैंक में होना चाहिए, ICICI बैंक में होना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक में होना चाहिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। जी हां फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको काफी वीडियोज में बता चुका हूं भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो होना ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन बैंकों में अगर आपका खाता नहीं है तो भैया अभी के अभी खुलवा लो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई KYC भी करते हो ना अपने UN पोर्टल पे तो भैया इन बैंकों में ही खुलवा लो, क्योंकि पेंशन तो इसमें ही लेना है। तो भैया इस बैंक में ही अपना खाता खुलवा के रखो और KYC भी इसी बैंक का कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इन फ्यूचर के लिए। तो आप जो भी बैंक है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और उसके बाद से हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी है वो आपको देखिए मैं फिल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना IFC कोड एंटर कर लेना है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में एंटर कर लेना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैपिटल नहीं लेना है। तो SBIN जैसे कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एंटर कर रहे हैं तो SBIN करके ही आता है और 00 करके जो भी 1980 जो भी होता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, जो भी मैंने रेंडम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक्चुअल कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ मैं, आप ऐसे ही करके दिखा दिया। देखिए वैलिडेट है, वैलिडेट भी हो रहा है, देखिए इनवैलिडेट अगर गलत डालेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, मैं सही डाल के दिखा देता। अब इस बार मैंने सही डाला है, देखते हैं कि ये वैलिडेट हो रहा है नहीं, ये ऑटोमेटिक वैलिडेट हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने गलत डाला है, वैसे भी मैं किसी सही बैंक का यहाँ पे एंटर किया, इनका एक्चुअल नहीं है ये, फिर भी यहाँ पे नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या IFSC कोड से काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल ठीक ठीक एंटर करना है, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर तो मैंने वैसे ही रेंडम डाला है तो यहाँ
यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, लेकिन आईएफएससी कोड बिल्कुल ठीक है, एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद से आपका जो भी बैंक का नाम है वो आ जाएगा, कहाँ पे ये है वो आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा किस स्टेट में। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चेकबुक या फिर पासबुक अपलोड करना है, वो इसी बैंक का अपलोड करना है। आप देख सकते हैं जेपीजी जेपीईजी फाइल में होना चाहिए, 100 से 500 केबी के अंदर में ही होना चाहिए आपका आईएफएससी कोड, नाम बिल्कुल ठीक ठीक दिखना चाहिए, अकाउंट नंबर भी ठीक ठीक दिखना चाहिए। अगर सही सब कुछ ठीक नहीं होता तो भैया आपका रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है, और जहां भी जिस भी फोल्डर में आपको चेकबुक या फिर पासबुक आपको सेलेक्ट कर लेना है, या तो व्यू करके देख लीजिए कि बिल्कुल ठीक ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बढ़िया वाला दिखना चाहिए आपका, सही फाइल अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स एंटर कर लिया जी। फ्रेंड्स आपको भी सारा डिटेल्स एंटर करने के बाद सबसे नीचे की साइड आ जाना है, और यहाँ पे चेकबुक पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे गेट आधार ओटीपी कर देना है जी। फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और सबमिट कर देंगे, आपका जो क्लेम है वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक हो जाएगा। फ्रेंड्स चूंकि हमने इनका सबसे पहले क्लेम किया था, उसके बाद से ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप भी बाद में कभी भी चेक कर सकते हैं कि आपके क्लेम की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको जाना है, और यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको देखने को मिल जाएगा आपका ट्रैकिंग आईडी देखने को मिल जाएगा, फॉर्म टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने फॉर्म 10D ही डायरेक्ट भरा है, तो आप देख सकते हैं 10D यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और कब आपने सबमिट किया था पोर्टल पे वो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फील्ड ऑफिस पे कब किया वो देखने को मिल जाएगा, बाकी करेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपका करेंट स्टेटस क्या है। यहाँ से आप व्यू को पीडीएफ करके आप अपनी पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आपको देखने को मिलेगा, आप डाउनलोड करके ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी पीडीएफ फाइल ओपन होकर के आ जाएगी, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो जो भी डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके के आपके पीडीएफ फाइल में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखा। अगर पूरा वीडियो देखा ना तो भैया आप तो आपको सारा कुछ क्लियर हो ही गया है कि आपको मंथली पेंशन फॉर्म नंबर 10D यूएन पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स ये सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, फिर भी आपको कोई एरर आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमसे आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द देने का प्रयास करूंगा। और फ्रेंड्स अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अगर किसी भी स्टेप को मिस कर दिया है ना, स्किप करके देखा, तो एक बार पूरा देख लो, आपका बचा हुआ डाउट भी क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, आप काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।